हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल्फ थ्योरी 71 चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है भाई आपका डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स। मसल्स में कौन कौन सी बीमारी और डिसीज़ हो सकती हैं, ऐसे ही स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, उन्हीं को आज देखेंगे। एंड तक देखें ताकि आपको जो है भाई एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आती जाएँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपको आराम आराम से पढ़ाती ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाए। तो पहली डिसीज़ आपकी स्क्रीन पे है मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। सभी नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें, और या फिर यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल जो जिन्होंने लिया है वो भी सुन लें ध्यान से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें। तो मायस्थेनिया जो ग्रेविस है भाई, ये आपकी बॉडी में होती है। ये कैसी डिसीज़ है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी क्या करती है, बाहरी जो आपके एंटीजन्स होते हैं उनको आपकी सुरक्षा करती है। जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो होती हैं वो क्या करने लगती हैं, वो अपनी ही जो सेल्स होती हैं बॉडी की उन्हीं को ही क्या डैमेज करने लगती हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाती है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये दूसरा क्या करती है, एक तो हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, दूसरा हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इट मीन्स एसाइटोकोलिन जो होता है, जो कि हमारे न्यूरॉन सेल जो होती है, आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी क्या है मान लो न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल की यहाँ से क्या निकलता है भाई, एसाइटोकोलिन निकलता है यहाँ इनकी नोब से। तो ये एसाइटोकोलिन जो वो आपको न्यूरोट्रांसमीटर है उसको जो है आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है, और उसको क्या कर देती है, अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, मसल्स इट मीन नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है। इसीलिए मायस्थेनिया ग्रेविस का भाई क्या आपका साइड इफेक्ट है, इट कॉज ऑफ द पैरालिसिस। इसीलिए आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, लकुआ मार सकता है, किसकी वजह से, मायस्थेनिया ग्रेविस जो डिसीज है इसकी वजह से, बात समझ में आई। इसीलिए आपकी बॉडी में इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, समझ में आई। दूसरा है गाउट, जिसको हम गठिया बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं इसको गाउट, और ये जो है किसकी वजह से होता है, गाउट में क्या होता है, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके घुटनों में क्या होने लगता है, उनकी घुटनों में जो है दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई गाउट में क्या किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड जो है फिल हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके जो घुटने होते हैं पेन करना जो है शुरू कर देते हैं, बात समझ में आई। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उससे आप इसको लिख सकते हो, साथ के साथ पेन कॉपी भी लेके बैठा करें ताकि आपको चीज़ें जो समझ में आती जाएं और आप नोट डाउन भी करते चलें, ठीक है। तो यूरिक एसिड, इसीलिए गाउट जो गठिया होता है इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक चीज़ें लेनी चाहिए, या फिर आपको बेस, क्योंकि एसिड और बेस प्लस इजिकल टू क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिक चीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो गाउट है वो है बॉडी में घुटनों में जो दर्द होता है वो जो है ठीक हो सके, ठीक है। और यूरिक एसिड को अब तो बहुत ही बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट जो है आ गए हैं। आप जो है एलोवेरा जो होती है, एलोवेरा को खा करके भी वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथ बनाता है, और यूरिक एसिड को क्या करता है, डीमोबिलाइज करने का काम करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया है, फिर देखते हैं भाई टेटनस डिसीज आपकी बॉडी में कैसे होती है, और आप इसको क्या बोलते हो, टेटनस में बोलते हो, क्या बोलते हो देहाती लैंग्वेज, भाई हमें टेटनस हो गई, हमें कोई कट जाता चाकू से तो हम क्या कहते हैं, भाई हमें टेटनस हो जाएगी, तो ये वही वाली टेटनस है, ठीक है। टेटनस डिसीज, इससे क्या होता है, कॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन बॉडी एंड कॉज मसल्स फॉर्म, क्या होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम जो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जब बोन्स के अंदर, क्योंकि बोन्स क्या करती है, कैल्शियम और जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, बात समझ में आई। बोन्स, जब बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट कॉज ऑफ द टेटनस डिसीज। तो टेटनस डिसीज में भाई इसी की वजह से होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स जो स्पाम्स करने लगती हैं, मतलब एठना आ जाती है मसल्स के अंदर, क्या जाती है, एठन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है जो है मसल्स के डैमेज होने के जो चांस रहते हैं टेटनस में कई बार जो है बॉडी में इंसान की जो है मृत्यु बहुत मतलब जल्दी होने के चांस रहते हैं टेटनस की वजह से। तो इसको भी जो आप कभी भी अपने चाकू से हाथ ना काटे, ठीक है, क्योंकि उसे टेटनस डिसीज होने का डर रहता है।
ठीक है। तो तीसरा देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। भाई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? ये है जेनेटिक डिसीज है। ये जेनेटिक डिसीज का मतलब है ये आपके जो है म्यूटेशन की वजह से होता है आपकी बॉडी में। जेनेटिक डिसीज इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये जीन होता है, ऐसे करके जीन होता है ना, आपके क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। तो भाई ये जो जीन होता है, जीन के अंदर क्या रहता है, म्यूटेशन आ जाता है इनके बेस पेयर में। म्यूटेशन का मतलब चेंज इन द बेस पेयर ऑफ द डीएनए, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। बात समझ में आई? तो म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में, जेनेटिक डिसीज जिसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज जो हमारी बॉडी में हो जाती है। इसका जो सिम्टम्स क्या, हमारी लक्षण क्या दिखाई देते हैं व्यक्ति में अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, भाई आपकी बॉडी में वीकनेस होने लग जाएगी, लॉस मसल्स मास, जो मास का जो मतलब जो मसल्स का जो मास होता है उसमें क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इट मीन्स आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज में। बात समझ में आई? और ये किसकी वजह से होती है, मैंने लिखा हुआ इट इज़ कॉज बाय द म्यूटेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है भाई, 300 से लेके 50 तक। बात समझ में आई? और इसको डायग्नोसिस मतलब ये मतलब इसका निदान हो सकता है, ठीक है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन कितनी ऐसे कितनी ये ज़्यादातर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी छोटे बच्चों में होती है। तो ये आपके बिटवीन 3 to 6 ईयर के बीच में, जो अगर मान लो बच्चे 3 से 6 महीने के बीच में, तो वही इसका जो है इलाज हो सकता है, उसके बाद इसका इलाज नहीं होगा। तो बच्चे पर विशेष ध्यान दें अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो, ठीक है। फिर देखते भाई आता है जो चौथी आपकी डिसीज है, वो है ये आपके अर्थराइटिस, ठीक है। ये ड्यू टू ऑसिफिकेशन एंड एब्सेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट, कलेक्शन ऑफ यूरिक एसिड, किन की वजह से होता है? एक तो ऑसिफिकेशन की वजह से आपकी बोन्स क्या करने लगती है, टूटने लगती हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट, आपकी जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो आपकी बोन्स को क्या करता है, सॉफ्टनेस देता है, आपका जो घुटना होता है मुड़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो वो जॉइंट होते हैं, जॉइंट में साइनोवियल जो है फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसी की वजह से बहुत स्मूथली क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब मैं ऐसे हाथ को मोड़ पा रही हूँ, है ना, तो यहाँ जॉइंट है, जिस जॉइंट में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, इसी की वजह से हमारी बॉडी में हमारा जो जॉइंट है वो मूवमेंट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भाई इसी की वजह से, और ये दूसरा तीसरा कारण ये भी है कि हमारे जो जॉइंट होता है यूरिक एसिड जो है भर जाता है। अब ये यूरिक एसिड बनता कहाँ से है, ये सोचने वाली बात है। ये जो यूरिक एसिड होता है ये यूरिया से ही बनता है। यूरिया का मतलब है आपकी बॉडी में जो वेस्टेजियल जो मटेरियल्स होते हैं दैट वर कन्वर्ट इनटू द यूरिया और योर यूरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि अमोनिया होता है, प्रोटीन होती है ना, ज़्यादा प्रोटीन जो लेते हैं, ज़्यादा प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू द अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, ठीक है, यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में यहाँ पे स्टोर हो जाता है आपके घुटनों के अंदर। बस समझ में। फिर पांचवी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिसीज होती है भाई वो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये बीमारी होती है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विटामिन। आपकी बॉडी में जब कैल्शियम और या फिर विटामिन की कमी हो जाती है उसकी वजह से भाई आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। और मोर टेक ऑफ कोर्टिसोल, क्या है भाई ये, कोर्टिसोल ज़्यादा लेने से भी हो जाती है इम्बेलेंस ऑफ थायरोकैल्सी कैल्सिटोरियम और पैराथायरॉयड और सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जो आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स है उनकी क्या हो जाती है भाई, डेफिशिएंसी हो जाती है। इट मीन्स इम्बेलेंसिंग हो जाती है, कि या तो ये ज़्यादा निकलने लगेगा या फिर ये कम निकलने लग जाएगा या फिर ये ज़्यादा निकलने, तो ये इम्बेलेंस हो गई। तो इम्बेलेंस की वजह से आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज हो जाती है। क्या हो जाती है, आपको पता है ना पैराथायरॉयड कहाँ से निकलता है, पता है आपको पैराथायरॉयड, ठीक है। और सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, थायरोक्सिन से, थायरोक्सिन ग्लैंड से भी निकलते हैं, और भाई आपके जो है आपकी जो ओवरीज और वो टेसिस होते हैं वहाँ से भी ये निकलते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर, तो इस बीमारी में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर पेन इन बैक। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज हो जाती है उनकी भाई समझ ले उनकी जो है बैक है कमर में क्या हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। जब किसी को कमर में दर्द हो जाए तो आप समझ लेना भाई आपको कौन सी डिसीज है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको साथ के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हमें जो बीमारी है भाई क्यों है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिसीज है भाई वो कैसे हो जाती है, वो होती है आपकी कवरिंग, और ये इसकी किसकी वजह से हो जाती है, ये कवरिंग ऑफ साइनोवियल सैक हैज थिकन, जो साइनोवियल सैक का जो कवरिंग होती है वो कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज ऑफ मिनरल पास फ्रॉम द जॉइंट एंड डेस्ट्रॉय बोन्स। तो वही वो क्या करता है, रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस में जो साइनोवियल सैक से भाई क्या होने लगता है, कैल्शियम जो है बाहर आने लगता है, मिनरल्स बाहर आने लगते हैं आयंस, और वो बोन के पास जो है स्टोर डैम में मतलब एक वो बना लेते हैं
ढेर बना लेते हैं अपना और इकट्ठा शुरू कर होना शुरू कर देते हैं बोन्स के ऊपर, तो बोन्स उसकी ज़्यादा वजन की वजह से क्या हो जाती है, डस्टर होना शुरू कर देती है। तो भाई समझ गए कि आपकी बॉडी में रोमेटेड आर्थराइटिस किसकी वजह से होती है, ठीक है। फ्रैक्चर डिपोजिशन सॉल्ट इन बोन एंड मोर ऑकर इन ओल्ड में, समझ रहे हो ना, जो फ्रैक्चर जो होता है आपकी बॉडी में वो किसकी वजह से होता है, आपकी जो बोन्स होते हैं बोन्स में जब साल्ट होता है, साल्ट समझ रहे हो ना, आपकी बॉडी में जो लवण होते हैं उनका जो है डिपोजिशन होना ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी बोन्स में क्या है फ्रैक्चर होना शुरू कर देता है। क्योंकि आपकी बॉडी में जो कार्बनिक आयंस होते हैं उनकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ही साल्ट जो है ज़्यादा डैमेज मतलब ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू कर देता है बोन के अंदर। तो फ्रैक्चर आपकी बॉडी में काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले साथ ही साथ नोट डाउन कर लें। तो आपकी फिर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस भाई किसकी वजह से होता है, ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये क्या थे भाई आपके 8 जो है आपके डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के थे। तो इनको साथ के साथ पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है फ्रैक्चर के टाइप्स बताऊंगी आपकी बॉडी में कितने टाइप के जो है फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं आपको अभी क्या कर देती हूँ इनको जो है यहाँ पे जैसे मुझे समझाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है समझा देती हूँ ऊपर कि भाई आपकी बॉडी में कितने टाइप्स के जो है फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आपकी बॉडी में एक सिंपल फ्रैक्चर होता है, एक कंपाउंड होता है, एक कम्युनिटेड होता है और एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो आपने अगर नोट डाउन कर लिया है तो साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ, पहला है आपका सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू बोन्स आर डैमेज, टू बोन्स जो है टूट जाती हैं, समझ रहे हो ना, एंड लेकिन क्या होता है बट, यहां लिखो बट स्किन इज नॉट डैमेज। बात समझ में आई, तो ये बिल्कुल सिंपल फ्रैक्चर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है उसको भी हम देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। फिर आता है आपका दूसरा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें आपकी जो दोनों बॉन्स टूटती तो है लेकिन वो ज्यादा नहीं टूटती, सिर्फ उनमें क्या था क्रैकिंग आती है, क्रैकिंग ऑफ बॉन्स बट जॉइंट टुगेदर। फ्रैक्चर आता है बॉन्स के अंदर लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है जो है फ्रैक्चर होने के बाद भी, उसको क्या कहते हैं हम भाई, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। मैं साथ ही साथ भाई इसको रिमूव भी करती जाती हूँ। फिर आता है आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कौन सा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, आपने ये नोट डाउन कर लिया, पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, जो आपका कम्युनिटेड होता है फ्रैक्चर, इसमें आपकी बॉन्स एक से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है, बोन फ्रैक्चर इनटू मोर देन वन फ्रैगमेंट। एंड नो ब्लड सप्लाई टू देम। यहां पे क्या होता है, बॉन्स जो है इट मींस एक से ज्यादा दो पार्ट में टूट जाती है और जो इनमें फिर जो है ब्लड का जो कनेक्शन था, आर्टरी और वेन होती है, इनसे जो क्या हो जाती है अलग हो जाती है फ्रैक्चर होने के बाद, तो ये इसको कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो इसको साथ के साथ नोट डाउन भी वही करते चलें, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो आपको आगे बताऊंगी वो है आपका कंपाउंड, कौन सा भाई
कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्चर बहुत ही जो है क्या है खतरनाक है, क्योंकि जब वो हड्डी टूटती है तो आपकी हड्डी जो है टूट करके बाहर दिखाई देने, इट मीन्स प्रोट्यूड हो जाती है बाहर की तरफ, उभरने लग जाती है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। कंपाउंड फ्रैक्चर, बोन्स फ्रैक्चर एंड प्रोट्रूड आउटसाइड द स्की। बात समझ भाई? तो ये आपके कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स के आपके फ्रैक्चर थे, कौन कौन से भाई? 1, 2, 3 और 4। इट मीन्स सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका ये वाला फ्रैक्चर, फिर आपका ये आता है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, और जो चौथा आता है वो आता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। तो बात समझ में आई? तो फ्रैक्चर ज़्यादातर किन में होती है, जो ओल्ड मैन होते हैं, क्या होते हैं? ओल्ड मैन में फ्रैक्चर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं देन दी चाइल्ड वन। छोटे बच्चों का फ्रैक्चर होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है क्या होता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, और उनकी बॉडी में कार्बनिक जो लवण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फ्रैक्चर बहुत ही कम हो पाता है। छोटे बच्चों की हड्डियाँ भी बहुत स्मूथ होती हैं, और बूढ़ा होने पर क्या होता है, आपकी जो हड्डी होती है क्या होती है, टाइट हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में साइनोवियल जो फ्लूड होता है जॉइंट्स के अंदर, वो जो है धीरे धीरे कम और सूखने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कैल्शियम आयन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है इन दी जॉइंट और बोन्स। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स के फ्रैक्चर थे, साथ के साथ इनको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पोस्ट करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आपको डिसऑर्डर्स ऑफ दी मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया, और नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल पे अगर न्यू हो तो अगर आपको मेरी क्लासेस या वीडियोस पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड लाइक, सो दैट आई यू कैन जस्ट गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई वीडियोज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।